हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस इंटीरियर्स चैनल। अभी ये जो हॉस्पिटल का वीडियो है उसमें हम लोग ने लास्ट टाइम आपके साथ मैंने शेयर किया था पहले हॉस्पिटल कैसे था, बाद में उसका प्लानिंग होने के बाद, एग्जीक्यूशन होने के बाद वो कैसे दिख रहा है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ कि ये वाला जो आपको यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ दिख रहा है उसके पीछे हमें बहुत सारी ड्राइंग्स हमें करनी पड़ी, और उसमें हम लोग ने एग्जैक्टली कौन से ड्राइंग्स किए। डेफिनेटली कोई भी प्रीमाइसिस या फिर कोई भी एरिया डिज़ाइन करने के टाइम बहुत सारी ड्राइंग्स हम लोग बैकएंड में करते हैं। आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। ये वाला हॉस्पिटल का प्लानिंग करने के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग करते हैं फर्नीचर लेआउट, तो बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग ने फर्नीचर के लेआउट के उनके साथ शेयर की। जब भी हमारा ये वाला फर्नीचर लेआउट फाइनल हुआ उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे जगह पे वॉल मार्किंग किए, तो वॉल मार्किंग का लेआउट फाइनल किया। उसके बाद था कि जब भी प्लानिंग करने के टाइम हम लोग ने इसके जो वॉशरूम्स है हर एक रूम के उसके पोजिशन फाइनल किए थे। उसके बाद यहाँ पे वाटर स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो वाटर स्टोरेज कैसे होना चाहिए उसके लिए हम लोग ने एलिवेशंस वर्कआउट किए। अभी ये सब होने के बाद जब भी हम लोग ने ब्रिक वर्क किया और उसके बाद जब भी टाइल्स करने थे तो हम लोग ने जो भी टाइल्स सिलेक्ट किए वो टाइल्स के फ़ोटोज़ और उसके साथ जो ब्रांड के या फिर जो टाइल का नाम है उसका एक लेआउट बनाया था और हम लोग ने वो साइड पे लगाया था कि उसके हिसाब से वो हर एक रूम में कौन से टाइल्स आएगी वो देख के कॉन्ट्रैक्टर को ईजिली मालूम पड़ रहा था कि कौन सी टाइल्स कौन से एरिया में आ रहे। इसके बाद था इलेक्ट्रिकल लेआउट, कितने पॉइंट्स आएंगे, कौन से हाइट पे आएंगे, उसका लेआउट हम लोग ने वर्कआउट किया था। इसके साथ ही फॉल सीलिंग लेआउट, फॉल सीलिंग लेआउट में कॉम्बिनेशन में 3 टाइप के सीलिंग्स थे, कहाँ पे हम लोग ने पीवीसी स्ट्रिप्स यूज़ किया था, कहाँ पे 2x2 की शीट्स और कहाँ पे जिप्सम शीट्स, तो ऐसे कॉम्बिनेशन मटेरियल हम लोग ने सीलिंग में यूज़ किया। उसके साथ ही जो कैमरा का पोजिशन कहाँ पर होना चाहिए उसका लेआउट था, पीए सिस्टम, और सबसे आखिर में हम लोग ने बाहर का जो एंट्री फसाड है उसका एलिवेशन और उसके साथ 3D। 3D में हम लोग ने रिसेप्शन का 3D, मंदिर का, फिर ये जो नर्सिंग काउंटर है उसका 3D, ये सारे 3D डिज़ाइंस भी हम लोग ने एलिवेशन के साथ शेयर किए थे। और फ्रेंड्स, डेफिनेटली इतनी सारी ड्राइंग बनने के बाद कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट में थोड़े फार चेंजेस होते ही रहते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़े फार करेक्शन करके हम लोग ने ये वाला पूरा ड्राइंग का पोर्टफोलियो रेडी किया। तो फ्रेंड्स, सारी ड्राइंग्स हम लोग ने, आज आपको ये जो वीडियो दिख रहा है उसके लिए हम लोग ने सारी ड्राइंग्स बताई थी, उसकी सारी डिटेलिंग मैंने आज आपके साथ शेयर किए। फ्रेंड्स, आपको अगर आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।